आजकल एक चेहरा लोगों के स्टेटस और स्टोरी में बहुत नजर आ रहा है। पेशे से शुभांकर सर एक न्यूज एंकर हैं, पर सोशल मीडिया पर आने के बाद उन्होंने यहां बहुत पहचान बटोरी है। अगर आपको बोलने की अच्छी तहजीब और हमेशा पॉजिटिव रहना हो तो आप शुभांकर सर को फॉलो कर सकते हैं। शुभांकर के हैंडसम लुक और शायरियों ने भी उनके साथ लाखों लोग जोड़ दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम शुभांकर मिश्रा की लाइफ के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे थ्री इडियट मूवी ने उनकी लाइफ बदल दी। शुभांकर का पूरा नाम शुभांकर मिश्रा है। शुभांकर का जन्म 10th ऑफ अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही स्मार्ट और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। बात करें उनकी फैमिली की तो उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स हैं एंड पेरेंट्स के अलावा एक भाई है। शुभांकर की एक सिस्टर थी जो 3 साल पहले ये दुनिया छोड़कर चली गई। शुभांकर अक्सर उन्हें मिस किया करते हैं। शुभांकर ने अपनी स्कूली पढ़ाई गोंडा के ही फातिमा स्कूल से की। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद वो ग्रेटर नोएडा आ गए, जहां से उन्होंने गलगोटियंस यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड में न जाने को डिसाइड किया। चलिए दोस्तों, अब हम शुभांकर की लाइफ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ की बात करते हैं। थ्री इडियट मूवी देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपनी इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं पर यहाँ उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो इंजीनियरिंग छोड़कर न्यूज एंकर बनना चाहते थे पर वो अपने पापा के बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे, मतलब कभी खुलकर बात भी नहीं की थी। लेकिन थ्री इडियट का फरहान का अपने पापा के साथ वो सीन देखकर उनमें भी पापा से बात करने की ताकत आ गई। उन्होंने अपने पापा को समझाया उन्हें इंजीनियरिंग समझ नहीं आ रही है, अगर वो इंजीनियर बन भी गए तो बहुत बेकार इंजीनियर बनेंगे। उन्होंने बोला कि तो क्या हुआ अगर मैं कम पैसे कमाऊंगा, पर मैं हमेशा खुश रहूंगा। काफी देर लगी पर उनके पापा राजी हो गए। फरहान के करेक्टर से भी ज्यादा उन्होंने रेंचो के करेक्टर से सीख ली। उन्होंने सीखा कि काम वो करो जिनमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। काबिल बनो, काबिलियत तो जग मार के पीछे आएगी। इंजीनियरिंग छोड़कर उन्होंने वो काम किया जो उन्हें पसंद था, इसलिए वो एक दिन में 18-18 घंटे काम करके भी थकते नहीं थे। अगर शुभांकर इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते तो कहीं इस भीड़ में खो जाते और आज उनको कोई नहीं जानता होता। बीटेक के बाद उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया। ये कोर्स पूरा करने के बाद शुभांकर ने इंडिया न्यूज चैनल पर लगभग 1 साल काम किया। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इंडिया न्यूज पर 1 साल काम करने का उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, पर वहां काम करने के बाद उन्होंने बहुत सा एक्सपीरियंस जरूर ले लिया था। इसके बाद शुभांकर ने जी न्यूज उत्तराखंड में काम किया। फिर शुभांकर ने TV9 भारतवर्ष न्यूज चैनल में एंकर के लिए इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हो गए और आज भी वो वहीं काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शुभांकर टिकटॉक और सोशल मीडिया पर कैसे फेमस हुए। शुभांकर ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम अकाउंट की शुरुआत फरवरी 2020 में की थी। उनका टिकटॉक पर कंटेंट सबसे हटके था। वो यहाँ न्यूज अपडेट, मोटिवेशनल वीडियो एंड शायरी वीडियो पोस्ट करते थे। शुभांकर का कुछ वीडियो के बाद ही एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो केदारनाथ बाबा के दर्शन को गए थे। फिलहाल केदारनाथ में मौजूद हूँ और अगर केदारनाथ की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम यहाँ पर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों को बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, मुझे जो लगा कि उनके लिए एक एक्सक्लूसिव कोशिश की जाए। शुभांकर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर थे तो उन्हें पॉपुलर क्रिएटर बैच बहुत जल्दी ही मिल गया। शुभांकर ने 11 मई को अपने टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट कर लिए एंड उसके कुछ दिन बाद ही 26 मई को उनके 2 मिलियन फॉलोवर हो गए। जब टिकटॉक बैन हुआ तब उनके लगभग 5 मिलियन फॉलोवर थे। शुभांकर ने लगभग 6 महीना पहले यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पर अभी 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके अलावा शुभांकर इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 300K फॉलोवर होने वाले हैं। शुभांकर हैंडसम और अच्छे एंकर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। बात करें उनके रिलेशनशिप स्टेटस की तो वो अभी सिंगल हैं। सुनो ना कि तेरे हिस्से का इश्क हमने बचा के रखा है, जब कभी शहर खुलेगा दोनों खुलकर इश्क करेंगे।
दोस्तों इंसान बात करना तो 2 साल में सीख जाता है, पर किस समय पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है ये हर कोई नहीं सीख पाता। सही बोलने के लिए तजुर्बे की जरूरत तो होती ही है, साथ ही कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोगों में आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं शुभांकर सर अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर। थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।